हाली पीपल आई होप डोइंगली रियली गुड दिस लेक्चर दिस सेशन इज स्पेश फॉर सेक्शन नंबर टू हंड्रेड एंड थर्टी टू सेक्शन नंबर 240 हंड्रेड एंड फोर्टी ऑफ कंपनीज हैं ये कौन से सेक्शन हैं ये सेक्शंस बात करते हैं कुछ मर्जर अमालगमेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा की ये जो पर्टिकुलर सेक्शन हैं ये सेक्शन स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी हैं और प्रोफेशनल्स लेवल पे भी हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी लॉ के अंदर ही आपके सेक्शन आते हैं 230 टू 240 बट एग्जीक्यूटिव के बच्चों के ये करते हैं। उसका रीजन भी, मैं आपको में भी आते हैं सीआरआई में, में आते हैं और एक आपके आते हैं एंड इन कोड के अंदर सीआरआई का पूरा सिलेबस ही बेस्ड है इन टू थर्टी टू फोर्टी पे तो अगर कोई स्टूडेंट अगर सीआरआई पढ़ रहा है तो, तो वो टू थर्टी और टू फोर्टी बहुत डेप्थ में ऑलरेडी पढ़ चुका है ऑलरेडी पढ़ चुका है लेकिन 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 अगर कोई स्टूडेंट बात करते हैं जो अभी तक सीआरए नहीं पढ़ा है तो 230 थर्टी टू फोर्टी उसका डेप्थ में कवर नहीं हुआ है 230 टू टू का ओवरव्यू उसका सीएस एस एग्जीक्यूटिव कंपनियों में भी रहता है और सीएस प्रोफेशनल के आईबीसी में भी रहता है अब जनरली क्यों एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट जनरली इन सेक्शन को लेकर थोड़े से इग्नोरेंट रहते हैं दैट इज बिकॉज एग्जाम्स के अंदर इन सेक्शन पर बहुत ज्यादा फोकस कभी नहीं रहा है टू थर्टी टू टू फोर्टी का एग्जीक्यूटिव लेवल पे एग्जाम में ज़्यादा फोकस नहीं रहा है इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स प्रोफेशनल में आ चुके हैं बट फिर भी टू थर्टी टू फोर्टी का आइडिया नहीं है बिकॉज में एग्जाम लुकआउट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे तो सर अगर मैं स्टूडेंट हूं तो क्या मुझे टू थर्टी टू फोर्टी पढ़नी चाहिए

उटिंग एनी टाइम लेट्स के अंदर ऑनस्ट सेक्शन टू थर्टीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इन इंक्लूडिंग टेक ओवर बहुत केयरफुलझेंगे टू थर्टी जो सेक्शन है टू थर्टी टू टू फोर्टी की सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लेंदी सबसे मेहनत करने वाला सेक्शन है टू थर्टी अच्छे से समझ लिया

उससे में मतलब नहीं हम अगर बात करते क्या क्या कहता है है ये ये बता बता दो दो उसका सार क्या है, ये बता दो, फोकस करना अच्छे से एक सर्कुलर वे थर्टी पढ़ने वाले एक circular, कि यहां, से हम शुरू होंगे, यहां से आ जाएंगे यहां से घूम के इट कैन बी क्रेडिटर इट कैन बी मेंबर इट कैन बी कंपनी इट कैन द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी डिपेंड करता है कंपनी किस हालत में है अभी कंपनी का क्रेडिटर भी एप्लीकेंट हो सकता है कंपनी का मेंबर भी एप्लीकेंट हो सकता है कंपनी खुद भी एप्लीकेंट हो सकती है लिक्विडेटर भी एप्लीकेंट हो सकता है एप्लीकेंट मतलब क्या सुनना जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 230 थर्टी सबसे वन देता है एनसीएलटी सुनना बहुत केयरफुली सर ये एप्लीकेशन है क्या ये एप्लीकेशन है फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और टेक ओवर

स्टेप वन फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज अरेजमेंट टू एप्लीकेशन टू एनसीएल है तो अपने वहां नहीं जा रहा हूं मेरे बात कहना है सिंपल अगर कोई भी कंपनी कोई भी अरेजमेंट टेक ओवर कुछ भी हो रहा है दे है

फॉर दैट इफ एट ऑल रिक्वाइड तो आपने consent of ले लिया देखोट्रेड लिया परसेंट वो भी आपको देना है साथ में कुछ भी अरेमेंट करना टेवर करना है तो उसमें एनसीएलटी को एप्लीकेशन देना है उसके साथ में ये सारे बेसिक डिटेल्स देने होंगे बहुत आसान है तो एप्लीकेशन दे दिया एनसीएल को अब क्या एन सी एल टी क्या करता है फोकस ओके okay,

आपकी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको देना है उसके बाद में <coughs> आपको अगर लिस्टेड कंपनी है, फोकस करना अच्छे से यहां पे आपकी कंपनी की वेबसाइट पे आ जाएगा उसके बाद में सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है अगर लिस्टेड कंपनी है तो तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी देना होगा सर सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को क्यों देंगे ताकि वो उनकी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकें वेरी केयरफुली सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी देंगे ताकि वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकें सिंपल तो हमने दे दिया हमारे सारे मेंबर्स को हमारे सारे क्रेडिटर्स को हमारे सारे डिबेंचर uh, होल्डर्स को उसके बाद में हमने हमारी कंपनी की वेबसाइट पे भी लगा दिया हमने हमारी कंपनी की वेबसाइट पे भी लगा दिया फिर अगर हमारी कंपनी लिस्टेड है तो हमें स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को भी देना है नोटिस ताकि वो भी उनकी वेबसाइट पर लगा देंगे ओके 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 कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद में ये आपको देना है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर न्यूजपेपर में भी ठीक है, वन वर्नाकुलर न्यूज पेपर ये हो गया न्यूज तो पेपर में भी एडवर्टीज देना है एक English और एक वर्नाकुलर ओके नॉट बिग डी उसके बाद में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है आरबीआई को भी देना है इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी देना है कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया को भी देना है for representation within 30 days. फिर आपको इन लोगों को भी देना है सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट विद इन थर्टी ज तीस दिन में कोई भी कुछ रिप्रेजेंट करना चाहता है कि नहीं इस अमाल की मिशन को ये अमाल हो रही है और इनकम टैक्स ने तीस दिन में रिप्लाई नहीं किया वी विलूम द इनकम टैक्सॉट जीरो ऑब्जेक्शन ठीक है सर मीटिंग हमने ऑर्डर कर दी मीटिंग बीन नाउ वॉट नाउ द मीटिंग इज़ बी कंडक्टेड फोकस वेरी मीटिंग विल बी कंडक्टेड वोटिंग एट द मीटिंग फिर आपकी मीटिंग के अंदर वोट्स होंगे वोटिंग होगी कैसी 75 परसेंट वोट्स हैव टू बी रिसीव कि आपको 75% की से अप्रूवल चाहिए कि हाँ यार, कि ये क्या इस कॉम्प्रोमाइज़ से आप सब लोग सहमत हैं एंड यू नीड अरेजोल्यूशन पास आपका रेजोल्यूशन पास हो चुका है agreed, okay? month, तो किस किस प्रकार से होती है दीज पीपल कैन वोट देमसेल्फ वो लोग खुद आके वोट कर सकते हैं दे कैन वोट थ्रू प्रॉक्सी ये तो ऑब्वियस था न वो थ्रू पोस्टल बैलेट और प्रैक्टिकली आज की तारीख में जो चलता है वो है ई e वोटिंग so well, well. so जब भी आप कॉम्प्रोमाइज़ एमालगमेशन वाला जनरल uh, मीटिंग हो रही है इवन इलेक्ट्रॉनिकली तो आपको पता है कि मेजोरिटी लोग कैसे वोट करने वाले हैं मेजॉरिटी लोग विल बी वोटिंग कैसे इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली so ये सारे ऑप्शन मिलते हैं वोटिंग के लिए अगर कोई व्यक्ति सहमत नहीं है

he is going to give an application under 230 subsection 1 to NCLT. Application will include all of these things. ठीक है. NCLT को जैसे ही application आगे NCLT is going to order a meeting. ठीक है. Meeting के लिए किस किस को notice जाएगा? सारे members को, सारे creditors को, सारे debenture holders को हमारे company के website पे भी लगेगा notice. उसके बाद में हमें देना है SEBI को और stock exchange को अगर हम listed company हैं, फिर सारी authorities को भी देना है अगर किसी को represent करना हो तो. Are we understanding? चलो ये सारी चीजें हो गई ये सारी चीजें जैसी हो गई उसके बाद में कम कम पोस्टल बैलेट के थ्रू कर सकते हैं है। क्लियर अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं आपका शेयर होल्डर है तो कम से कम टेन परसेंट शेयर कैपिटल कर सकते हो ज्वाइंटली भी कर सकते हो और अगर क्रेडिटर्स करना चाहते तो कम से कम फाइव परसेंट आपके साथ आउटस्टैंड एडिटेट तो आप कर सकते हो और ज्वाइंटली भी कर सकते हो ज्वाइंटली मतलब समझ में आ रहा होगा थ्री

आर यू ऑल विथ मी आर यू ऑल विथ मी मैं आपसे क्या अपेक्षा आप कर रहा हूं कि ये लेक्चर के साथ साथ में जितना मैं बता रहा हूं ना कि दिस इज मोर देन सफिशियंट दिस इज मोर देन सफिशियंट आप दिस इज मोर देन सफिशियंट सेक्शन आप डेप्थ में डेप्थ में मतलब कम से कम तीन से चार लेक्चर तक पढ़ोगे यही सेक्शन इन प्रोफेशनल सीआरआई तो सीआरआई के अंदर तो आप पढ़ेंगे पड़ेंगे इसको बहुत बहुत डेप्थ में तो अभी के लिए जो जरूरी है वो सारी चीजें मैं पे बता रहा हूं कि 230 का एक नाइस ओवरव्यू कवर्स ऑल ऑफ दीस थिंग्स

ट से खुद से मन में इमेजिन करो नोटिस किस किस को जाएगा वोट कैसे कैसे कर सकते हैं सब कुछ येस yes, गु जल्दी से देखो

तो 230 के अंदर ट्रिब्यूनल ने जब भी अलाउ कर दिया है आपको कोई भी एंटर करना कोई भी कॉम्प्रोमाइज वगैरह 231 कहता है दैट ट्रिब्यूनल विल हैव अ पावर ट्रिब्यूनल कैन ऑलवेज ओवर सी आप किस तरीके से कर रहे हैं और अगर जिन टर्म्स पे हमने अग्री किया है वो टर्म्स के हिसाब से आप नहीं कर रहे हैं या फिर हमें लगता है नहीं ये कंपनी तो अमाल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है ट्रिब्यूनल कैन इवन ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ दैट कंपनी

न सुपरवाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रमाजमेंट ट्रिब्यूनल कैन सुपरवाइज्लीमेंटेशन ऑफ कम्प्रोमा कैन गिवर डायरेक्शनियन दट इट कैन नॉट भी इंप्लीमेंटेड कैन ऑर्डर वाइनिंग ऑफ द कंपनी ट्रिब्यूनल है देखो ध्यान से ट्रिब्यूनल पावर है सुपरवाइज करने की ठीक है उसके बाद में फर्दर डायरेक्शन देने की ट्रिब्यूनल के पास पावर है सुपरवाइज करने की और फर्दर डायरेक्शन देने की और ट्रिब्यूनल को अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो सुपरवाइज करके फर्दर डायरेक्शन करके भी काम नहीं हो रहा है अगर उसको लगता है इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है पावर टू ऑर्डर वॉट वाइंडिंग सुपरवाइज और डायरेक्शन भी नहीं दे पा रहे पावर टू वाइंड नथिंग

उसी के अंदर ट्रिब्यूनल ने 230 के अंदर जो अलाउ किया है उसी को सुपरवाइज कर सकता है एडिशनल डायरेक्शन दे सकता है और अगर लगता है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वहां पे ऑर्डर कर सकता है क्या वाइंडिंग दिस इज सेक्शन नंबर 231 थर्टी वन फाइव चल आगे बढ़ेंगे टू थर्टी टू के ऊपर फोकस करना अच्छे से बहुत ईजी है मर्जर एंडमेशन ऑफ कंपनीशन फाइल अंडर सेक्शन टू

माल कमिश्नर मर्जर कोई और कंपनी इन्वॉल्व हो रही है माल मर्जर इन्वॉल्व हो रहा है तो दैटी टू थर्टी प्लस टू थर्टी टू दैटी प्लस टू थर्टी टू समझो एकदम आराम से इफ देर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट वेर नो मालमशन मर्जर इन्वॉल्व हमारी कंपनी ही निपटारी इंटरनली कर रही है

जब ट्रिब्यूनल फाइनल ऑर्डर पास करता कर टू थर्टी टू थर्टी हमने पढ़ा था ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन गई मीटिंग ऑर्डर की मीटिंग पे वोटिंग हुआ और फाइनल ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करते समय कुछ एनसीडरी ऑर्डर भी दे सकता है यहां पर वही लिखा है वाइल्ड पासिंग द फाइनल ऑर्डर ट्रिब्यूनल कैन मेक प्रोविजन फॉर अदर रिक्वायर्ड मैटर्स नॉर्मली भी 230 में भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है करता है, तो उसको और और भी भी करने होंगे। होंगे। तो कि भाई ये merger इसके लिए और भी जो provision बनाने, वो बनाने होंगे. सब लोग मेरे साथ रहेंगे। हो गया। करना चाहिए। सर, हमने पढ़े तीन सेक्शन सब लोगों का फोकस एकदम ध्यान से आप टू थर्टी थर्टी वन टू थर्टी टू फोकस करना अच्छे से टू थर्टी टॉक्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ठीक है टू थर्टी वन टॉक्स अबाउट साहब सप्लीमेंट्री प्रोविजन है ये तो ये तो टू थर्टी के साथ में फ्री है ऐसा समझ लो और टू थर्टी टू टॉक्स अबाउट मर्जर अमालमेशन कॉम्प्रोमाइज अमाउंटिंग कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अमाउंटिंग टू मर्जर अमाल तो ये क्या कह रहा है अगर आपका सादा कॉम्प्रोमाइज है जिसमें कोई भी मर्जर नहीं हो रहा है तो टू थर्टी विल भी एप्लीकेबल साथ में टू थर्टी वन तो फ्री है

बस इतनी सी बात है टू थर्टी टू के अंदर और साथ में जो एनसीएलटी के फाइनल ऑर्डर आते हैं ना तो उसके अंदर जो अदर मैटर्स के लिए वो प्रोविजन बनाते हैं फाइनल ऑर्डर के साथ में तो इसमें उनको ध्यान रखना है कि अमाल कमेशन और मर्जर के लिए भी कुछ सेपरेट एंसिलरी ऑर्डर्स पास कर दे बिकॉज देखिए मर्जर हो रहा है तो कब तक कंपनी का बिजनेस होगा इंप्लाइज का क्या होगा यह सबक लेकर एंसिलरी ऑर्डर्स देने होंगे आर आर्मी अंडरस्टैंड टू थर्ट टू टॉक्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज इन अरेजमेंट टू थर्टी टू टॉक्स अबाउट इफ इट ऑल द अरेंजमेंट इंक्लूड्स इन्वॉल्व्स अ मर्जर और अमाल कमेशन वी अंडरस्टैंड टू थर्टी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट दिस इज दोसिजर टू थर्टी वन सप्लीमेंट प्रोविजन के भाई वो सुपरवाइज करेगा उसके साथ में वो जो भी उसको ऑर्डर देना है वो दे सकता है उसके बाद में उसको लगता है कि नहीं प्रैक्टिकल हो रहा है तो वाइंडिंग ऑर्डर भी दे सकता है टू थर्टी टू थर्टी टू के अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर मान लीजिए आपका मर्जर इन्वॉल्व है ना तो होना नोटिस के साथ में ये सब भी भेज देना और एंसिलरी ऑर्डर जब पास करते हो एंड में फाइनल ऑर्डर के टाइम पर तो ध्यान रखना मागमेश मर्जर तो उसके लिए भी प्रोविजन देना आ क्लियर मैं आपको क्या कह रहा हूं इतने बेहतरीन सेक्शन हैं ये ये तो मुझे समय के रेस्ट्रिक्शन के कारण बिकॉज एक लिमिट है कि स्टूडेंट कितना समय देगा इन सेक्शन को एंड एक लिमिट से आता है इन सेक्शन को समय देना इज नॉट वर्थ इस कारण से हैव टू तो रेस्ट्रिक्ट आर डिस्कशन अदरवाइज ट्रस्ट मी 230 टू 240 इतने बड़े सेक्शंस हैं कि उनके ऊपर

तो वहां आता है तूफान मजा यहां पे टाइम का कांस्टेंट रहता है कि आई नो एक स्टूडेंट अगर यही मैं लेक्चर तीन चार घंटे का लेक्चर बना के दे दूंगा 230, थर्टी टू फोर्टी पे तो स्टूडेंट्स के लिए वो वर्थ इट नहीं है उतना देखना वी तो टू तो इंश्योर कि हम इसको जितना सही तरीके से लिमिटेड टाइम के अंदर कवर कर सके दैट इज द आउटलुक इस कारण से हमको डिस्कशन को कंप्रेस करना पड़ता है बट ट्रस्ट नहीं आप दीवाने हो जाओगे जब आप इसको एक्चुअल पढ़ोगे यहां तो मैं सिर्फ आपको लीगल प्रोविजन बता रहा हूं लेकिन जब आप इसको एक्चुअल इफेक्ट पढ़ोगे आप दीवाने हो जाओगे दीवाने क्लियर। सो वी हैव टू थर्टी थ्रीन कंपनी है certain companies. Certain companies मतलब कुछ कंपनी है जिनका मर्जर और मार्गमेशन टू थर्टी टू के हिसाब से नहीं होगा टू थर्टी थ्री के हिसाब से होगा सर ऐसा क्यों देखो ऐसा क्यों यहां पे कवर होते हैं वो मर्जर और मालगमिशन बिटवीन टू और मोर स्मॉल कंपनीज दो या उससे ज्यादा स्मॉल कंपनीज के बीच में अगर मर्जर मालकमेशन रहा है तो वो यहाँ पे कवर होगा या फिर इफ इट ऑल मर्जर मालकमेशन बिटवीन होल्डिंग एंड इट्स होली ओन सब्सिडी होल्डिंग कंपनी और उसके होली ओन सब्सिडी का मालकमेशन होता है तो वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा एंड सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नया भी कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया तो उस उसपे फिलहाल दो प्रिस्क्राइब क्लासे क्या टू और मोर स्मॉल कंपनीज बोले यार ये छोटी छोटी कंपनीज के मर्जर हो रहे हैं इसमें का इन अपना टाइम लगाएगा इसके अंदर का इन अपना टाइम लगाएगा तो ये तो सुनो आप अपने लेवल पर देख लो इसके लिए आपको पूरा टू थर्टी टू थर्टी टू का प्रोविजन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है बोले अगर सर्टन कंपनी इन लोगों का मर्जर मार्ग मशन हो रहा है तो आपको टू थर्टी टू थर्टी टू के प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज वो बड़ी कंपनीज के तो टू और मोर स्मॉल कंपनीज है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है और इफ एट ऑल होल्डिंग कंपनी इज मर्जिंग इन टू इट होलिय सब्सिडी यार होलियड वो वैसे भी उसी का था ना पूरा अब बस ये दोनों कंपनी एक कंपनी बन रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको कोई ट्रिब्यूनल वगैरह की परमिशन की जरूरत नहीं इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं आप इजीली मर्जर कर सकते हो तो टू थर्टी थ्री इज अजी रूट इजी रूट फॉर दो जिनमें गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि टू और मोर स्मॉल कंपनीज मर्ज हो जाए चलो टू थर्टी या टू थर्टी टू में आने की जरूरत नहीं है टू थर्टी थ्री आपके लिए रास्ता बनाए लो भागो क्लियर उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या गई कि अगर गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी सॉरी होल्डिंग कंपनी इट्स छोली और सब्सिडी होल्डिंग कंपनी इट्स होली ओन सब्सिडी गवर्नमेंट का भागो भागो चलो कोई बात नहीं कर लो इजली कर लो इज्ली कर लो आर बी अंडरस्टैंडिंग चलो क्या प्रोविजन है इनके लिए कुछ भी नहीं बहुत आसान देखो स्टेप वाइज यह कंपनी स्टेप वन इनवाइट ऑब्जेक्शन एंड सजेशन फ्रॉम आर ओसी

फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी टू आर ओ सी आर ओ सी को आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना है इसमें लिखा होता है कि भाई साहब हमें ताकत है कि हमारे सारे आउटस्टैंडिंग डेट्स वगैरह पे कर सकते हैं द कंपनी सॉल्वेंट एंड द कंपनी सॉल्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हैज टू बी फाइल टू आर ओ सी कर दिया स्टेप फोर स्कीम इज अप्रूव्ड बाय क्रेडिटर्स बाय नाइंटी परसेंट चलो प्री रिक्वेस्ट है चार स्टेप ये चार स्टेप नहीं होते टू थर्टी 233 का रूट आपको तभी मिलेगा जब आप ये चार स्टेप्स को सेटिस्फाई करते हो क्या चार स्टेप्स है सरकार सबसे पहला स्टेप क्या है

सबसे पहले चार कर लिए चार कर लिए फिर क्या होगा देन यू हैव टू सेंड द स्कीम टू सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है जनरली ये पूरा काम आर वगैरह को डेलीगेट करता है रीजनल डायरेक्टर्स को बट हमारे लिए बेरैक्ट में मिलेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मॉड्यूल में मिलेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तो कंपनी स्टेप फाइव में अब ये चारों स्टेप हो गए सर सर शेयर होल्डर का नाइन परसेंट अप्रूवल मिले क्रेडिटर का नाइन परसेंट अप्रविल डिक्लेन और सोलेंसी बारह सबक अब इस स्कीम को स्टेप फाइव में स्कीम इज फाइल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट हम दो स्मॉल कंपनीज हैं या फिर हम एक होल्डिंग कंपनी है इज इट्स होली

ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और ये क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में इफ द स्कीम इज इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स तब वो अप्रूव कर देगा एंड द स्कीम इज देन कम्युनिकेटेड टू आर ओ सी समझ से फोकस हमने क्या देखा अभी तक

हो सकता है आरुषि ने कोई ऑब्जेक्शन ले लिया स्टेप सिक्स में फॉर फॉर एग्जाम्पल आरओस को ऑब्जेक्शन लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या फिर ये क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है तो वो दे विल रेफर द कंपनी एन सी एल टी फिर वो इस कंपनी को एनसीएल रेफर कर देंगे ये जाओ जाओ सुनो ना तुम्हें टू थर्टी थ्री का इजी रूट नहीं मिलेगा तुम्हारी स्कीम में मुझे नहीं लगता कि टू थर्टी थ्री के रूट के लायक है कि मुझे लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में क्रेडिट इंटरेस्ट में नहीं है आप जाओ एनसीएल का अप्रूवल लेकर आओ जाओ आप टू थर्टी के रूट में जाओ टू थर्टी टू के रूट में जाओ आर वी अंडरस्टैंड तो यहां से भी कंपनी को 232 में फीका जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नहीं आ रही है तो एनसीएलटी आने दो हमें विदाउट अप्रूवल नहीं करना है सो टू थर्टी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एनसीएल इफ एट इफ एट अंडरस्टैंड वेरी टू थर्टी थ्री का इंटेंशन क्या है इफ एटल और मर्जर बिटवीन स्मॉल कंपनीज और बिटवी होल्डिंग छोड़ी और सब्सिडी टू थर्ट थ्री इज के विदाउट अप्रूवल आपका काम हो जाएगा

बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नहीं आ रहे तो टू थर्टी थ्री के अंदर हम कर देंगे, हो जाएगा, तो कह सकता है आपके लिए भी वही ट्रीटमेंट होगा हम आपको टू थर्टी थ्री का बेनिफिट नहीं दे रहे इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स इंटरेस्ट थर्टी टू में फेंका सकता है तो पूरा एनसीएलटी का अप्रूवल लेके काम करो आर यू ऑल मी थ मी सो वोट आर वी डॉन वोट आर टू डू टू थर्टी पड़ा पूरा टू थर्टी वन सप्लीमेंट्री साथ में फ्री है टू थर्टी okay, टूर्जन तो एडिशन आया तो यहाँ पे टू थर्टी का प्रोसीजर क्या 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 सिंपल भाई साहब एनसीएल पास करेगा टू थर्टी थ्री आया कि सुनो दो स्मॉल कंपनी है या फिर एक होली ओन होल्डिंग कंपनी तो उन सरकम आपको इस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सरगम आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप सिंपल प्रोसीजर से जा सकते हो टू थर्टी थ्री के 2, 30, 3 में सब कुछ स्टेप वन टू थ्री फोर कर लिया भाई सबसे ऑब्जेक्शन इनवाइट कर लिए फिर नाइन अप्रव ले शेयर होल्डर्स का फिर फिर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल नाइन परसेंट अप्रूल लिया क्रेडिटर्स का इसके बाद भी इसके बाद भी आपका रुका जा सकता है एंड में जैसे ही चारों स्टेप हो गए उसके बाद में आपको क्या करना है आरओसी को वापस देना ऑब्जेक्शन के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है आरोपी कोई ऑब्जेक्शन है तो ले लेगा अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स इंटरेस्ट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा आर ओसी कम्युनिकेट कर देगा कर दो रजिस्ट्रेन का मार्गमेशन आप खुश लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं आ रहे तो क्रेडिटर्स इंटरेस्ट में नहीं है ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है नहीं 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 हम नहीं कर रहे आप जाओ NCD का लाओ एनसी थर्टू में जाओ आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग क्या सब गधे मेरे साथ हैं क्या आर यू ऑल विथ मी आर यू ऑल विथ मी 230, 231, 232, 233, डन 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 मैं चाहता तो अभी भी आपको समझ देता था कि अभी के भी इसको पेन डाउन करो रिवाइज करो नहीं मेरा क्या इंटेंशन है कि एक बार 230 थर्टी टू टू फोर्टी पूरे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग फिर आप शांति से बैठना ये नोट्स भी आपके पास होंगे और उसके साथ में उसके साथ में फिर आप बैठ के इस पूरे नोट्स को खुद से पेन डाउन करोगे तब आपका ग्रेवेशन और वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगा 230 टू थर्टी टू फोर्टी ज्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत भी नहीं तो एक बार मैंने पढ़ा दिया अच्छे से समझ लो उसके बाद एंड में लेक्चर के एंड में ये नोट्स लेकर बैठ गए और आपने खुद ने पूरा पेन डाउन कर लिया दिस इज मोर एंड मोर देन सफिंट आर वी अंडरस्टैंडिंग चलो ये हुआ टू थर्टी थ्री

जो नॉर्मल प्रोसीजर है 232 का वो फॉलो करो मर्जर मालकर में 222 आता है तो 232 का नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो बस एक एडिशनल स्टेप स्टेप एक एडिशनल क्या आरबीआई का अप्रूवल ले लेना बिकॉज फॉरन कंपनी के साथ मर्च कर रहे। देखते हैं क्या हैज टू बी ऑबेंड एंड द स्कीम मस्ट प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन कैश पेमेंट कैसे होने वाला है पेमेंट कैश में हो सकता है पेमेंट डिपोजिट्री रिसीट्स में हो सकता है पेमेंट कॉम्बिनेशन में हो सकता है तो जो आपके मोड्स ऑफ पेमेंट है वो भी लिख लेना कुछ भी नहीं कहता है

क्लियर। चलो। इसी के आपका टू है थर्टी फाइव एकदम लड्डू सा सेक्शन हिम्मत बनाए रखना एकदम मस्ती से देखो सुनो एकदम कंफर्टेबली। एक ही सेट में टू थर्टी टू फोर्टी निपटा दो नाव टॉकउट टू हंड्रेड थर्टी फाइव टू थर्टी फाइव क्या कहता है टू थर्टी फाइव कहता है पार टू अक्वायर शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव बाय मेजोरिटी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हमारा स्कीम था कोई भी चीज थी जिस पे हमने मेजोरिटी का अप्रूवल लिया ठीक है मेजोरिटी का अप्रूवल हमने लिया तो कुछ डिसेंटिंग शेयर जो अग्री नहीं कर रहे जो अग्री नहीं कर रहे तो हम उनके शेयर्स कैसे अक्वायर कर सकते हैं तो हमने कोई भी स्कीम प्रपोज की उस स्कीम में जो लोग डिसेंटिंग है जो लोग मना कर रहे हैं उनके शेयर्स कैसे अक्वायर कर रहे हैं वो यहां पे दिया हुआ है फोकस करना अच्छे से ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी कौन हो गई जो हमारे शेयर्स खरीद दो देखो दो कंपनीज होती है ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी कहीं पर भी जाओगे आप तो ट्रांसफरर कंपनी वो हो गई जिसके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी वो हो गई जो कंटिन्यू करने वाली जिसके पास शेयर्स आ रहे हैं क्लियर है ट्रांसफरी कंपनी फोकस करना वेरी केयरफुली ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रही है ट्रांसफरी जिसको मिल रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ का ले लो आज मान लीजिए आई एम गिविंग समथिंग टू यू

शुभम सुक्चा लिमिटेड शुभम सुक्चा लिमिटेड रिलायंस को अक्वायर करना चाहती है शुभम शुभमु लिमिटेड रिलायंस को करना चाहती है तो शुभम लिमिटेड ने ऑफर दे दिया कि हे शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस ऑफ रिलायंस को अक्वायर करना चाहता हूं तो मैं सारे शेयर खरीदना चाहता हूं मार्केट प्राइस दो हजार मैं सारे शेयर खरीदना चाहता हूं ट्वेंटी टू पर शेयर मैं बाईसो रुपए पर शेयर में सारे शेयर खरीदना चाहता हूं इमेजिन कर लो इमेजिन कर लो मैं बाईस शेयर में सारे खरीदना चाहता हूं मैंने सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस दे दिया कि मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूं बाईसो में चार महीने का समय अब क्या हुआ यार, इन शेयर में कुछ तो अग्री हो गई कि हाँ बाइसो में हम शेयर देने को रेडी है ये हो गए शेयर होल्डर्स एक्सेप्टेड दी ऑफर कि भाई बाईस में हम शेयर देने को रेडी है लेकिन कुछ हो गए डिसेंटिंग शेयर होल्डर की नहीं 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 हमें बाईसो में भी शेयर नहीं देना हमें बाइसौ में भी शेयर नहीं देना अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली बट क्या हुआ है इफ नाइनटी परसेंट और मोर शेर होल्डर एक्सेप्टेड एक्सेड दी ऑफर नाइन्टी परसेंट या उससे ज्यादा लोगों ने क्या कर लिया ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है बट ये टेन परसेंट फाइव परसेंट सिक्स परसेंट लोगों ने कह दिया डिसेंटिंग हम तो नहीं बेचने शेयर अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली मैंने किसी भी कंपनी के सारे शेयर्स को बोला कि हे शेयर होल्डर्स मैं सारे शेयर्स खरीदना चाहता हूं मैं सारे शेयर खरीदना चाहता हूं नाइन्टी परसेंट शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हां खरीद लो साहब ये लो शेयर साहब खरीद लो कुछ लोग बोले नहीं हमें नहीं बेचना वो लोग कहलाएंगे जिन्होंने नहीं बेचना है जो डिसेंट कर रहे हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर

I will give a notice to acquire. Descending shareholders को मैं notice दूंगा कि hey descending shareholder, since 90% shareholders have agreed, since 90% shareholders have agreed, I am going to acquire your shares as well. उनको मुझे देना है descending shareholders को एक notice. And step two के बाद में step three understand very carefully. If they give any application against acquisition, तो वो कोई भी application against acquisition दे सकते हैं NCLT को और साथ में मुझे NCLT को देना है application to acquire. तो एकदम comfortable समझो ये step two three four जो है ना वो आपस में साथ में ही चलते हैं. स्टेप सब साथ में चलते हैं तो इसके अंदर ऐसा कोई क्रोनोलॉजी नहीं है कि टू के बाद थ्री के बाद फोर आपस में साथ में चलते हैं फोकस करना अच्छे से हुआ क्या मैंने ऑफर दिया शिरोलोस को 90 परसेंट जैसे 90 ही चालू कर दिया बिकॉज एज सुन एज सुन एज अग्रीड इट इज श्योर दैट मुझे तो भाई कंपनी मिलने ही वाली है ना कैसे क्योंकि सेक्शन 235 क्या कहता है ये कि 90 लोगों ने कर दिया अब आप बाकी देकर अक्वायर कर सकते हो ये कंपनीज ने कहा है तो मैं मैं बाकी सब बोला कि मैं आपके भी शेयर अक्वायर करने वाला हूं और यहां तो पर तो उन लोगों को, अगर को है तो के दे सकते हैं कि है, हम इस कारण से नहीं बेचना चाहते

तब आप उन दस परसेंट हुए लोगों के शेयर जबरदस्ती भी खरीद सकते हो उनके विल के अगेंस्ट भी खरीद सकते हो दैट इज सेक्शन नंबर कि अगर कभी भी आपने ऑफर दिया सारे के हे सारे शेडल मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूं नाइन परसेंट ऑफ दम एव गड कि हाँ हाँ हा, हमारे शेयर दे लो तो टेन परसेंट जो डिसेंट भी किया उनका तुमारे 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 आप तुम्हारा तो मैं खरीदूंगा सही आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन अपलिकेशन आप उनको भी एप्लीकेशन देंगे तुम्हारे शेयर खरीदने वाला हूं एनसीएलटी को भी एप्लीकेशन कि मैं उनके देखिए खरीदना चाहता हूं एनसीएल कंपनी का टू थर्टी फाइव कहता है कि नाइन मैंने खरीद लिए तो बच्चे भी मैं खरीद सकता हूं उन लोगों को कोई डिसेंटिंग अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो एन को देगा एन सब सब मद्देनजर रखते हुए फाइनल ऑर्डर देता है कि हे ट्रांसफरर कंपनी है रिलायंस सुनो इनके शेयर ट्रांसफर कर दो इस बड़े आदमी को ठीक है ये जो अक्वायर है उसको ट्रांसफर कर दो और साथ में हे अक्वायर इसको पूरे पैसे दे दो इन लोगों को पूरे पैसे दे दो देखते हैं इनको रीजनेबल पैसा मिल जाना चाहिए एंड दैट इज सेक्शन नंबर 235 अकेले बैठो अकेले शांति से कि अगर किसी व्यक्ति के पास में अप्रूव कर दिया 90% परसेंट मेजॉरिटी ने अप्रूव कर दिया right right समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो अगर मैंने कभी भी ऑफर दिया है सबको 90% परसेंट नाइन अग्रीड हां भाई सब अग्री करते हैं टेन परसेंट को मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा आई हैव दैट पावर

मन में आपको पूरा रिवाइज करना है कुछ करना नहीं है मन में ही पूरा एक बार रिवाइज़ करो टू थर्टी फाइव याद तुम्हें याद है टू थर्टी टू थर्टी वन टू थर्टी टू टू थर्टी थ्री टू थर्टी फोर टू थर्टी फाइव एकदम शांति से टू थर्टी टू थर्टी वन टू थर्टी टू टू थर्टी थ्री टू थर्टी फोर टू थर्टी फाइव टू थर्टी क्या था भाई नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ठीक है पूरा सर्कुलर था 231, 230 के साथ में फ्री था 232 भाई साहब अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर आपका कहीं पे परमिशन मर्जर आ जाता है तो आप ये एडिशनल पॉइंट्स एनसीएल के बिना उसके बाद में आ जाता है अप्रूवल तो लेना ले और देखना कि पेमेंट वगैरह कैसे हो रहा है और ये आ गया 235 कि अगर 90% ने अग्री कर लिया किसी भी अरेंजमेंट में किसी भी स्कीम पे तो 10% जो डिसेंटिंग है उनके शेयर्स भी मैं अक्वायर कर सकता हूं आई हैव द राइट टू अक्वायर शेयर्स कि अगर 90% ने अग्री कर दिया और 10% मना कर रहे तो उनके शेयर्स अक्वायर करने के पास राइट एंड 235 आर यू ऑल आर वी ऑल टुगेदर आर वी ऑल टुगेदर चलो बताओ 235 236 पहले पढ़ते हैं फिर 237 पे टू थर्टी सिक्स परच ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग सब प्रोविजन है सुनो ध्यान से इफ अक्वायर अलॉन्ग विद पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट पी एस सी मतलब पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट आप लोग इस चीज को सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे अच्छे से पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आई एम अक्वायरिंग सर्टन शेयर तो मैंने कहा मैं शेयर अक्र करूँ ना मेरे भाई तू भी शेयर अक्वायर कर ये मेरी जो कंपनी है तू भी शेयर करो ये मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स तुम भी शेयर अक्वायर करो तो मैं सबके साथ मिलकर शेयर अक्वायर करता हूँ इफ एट ऑल मुझे कोई कंपनी के शेयर चाहिए ज्यादा तो ये सब होगा पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट समझा If acquirer along with PSC, if acquirer along with person acting in concert holds 90% or more shares, if acquirer along with person acting in concert holds 90% or more shares, then they can offer to buy their shares at a value determined by registered valuer to the remaining shareholder. कि कभी अगर मेरे पास में किसी कंपनी के 90% shares हो चुके हैं, 90% shares मैंने टुकड़े टुकड़े में acquire कर लिए, मैंने और मेरे PSC ने मिलके, तो remaining shareholders को मैं notice होऊंगा कि ये सुनो ना, बाकी सारे shares मुझे transfer कर दो।

थर्टी फाइव क्या था कि आपने ऑफर दिया है अभी आपने ऑफर दिया आपके पास आज कितने थर्टी परसेंट शेयर हैं बट आपने ऑफर दिया कि सुनो 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 मैं ऑफर दे रहा हूं कोई भी स्कीम प्रपोज की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया तो जो भी उसके डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स थे वो अग्री नहीं करते ये हमें नहीं करना है तो आप कह सकते हो भाई अगर आपको नहीं करना है या तो आप अग्री कर लो उस कॉन्ट्रैक्ट से और नहीं कर रहे हो तो मैं आपके शेयर खरीदने को रेडी हूं यहां पे जरूरी नहीं है यहां पे समझना यहां पे जरूरी नहीं है कि जो ऑफर दे रहा है उसके पास नाइन्टी परसेंट शेयर हो नाइन्टी परसेंट पीपल हैव अग्रीड टू द कॉन्ट्रैक्ट मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया कंपनी में वहां पर नाइन्टी परसेंट पीपल है अग्रीड टेन परसेंट बोल रहे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा तो मैं कह सकता हूं वहाँ पे काम करो आपके शेयर्स मुझे बेच दो आपके शेयर्स मुझे बेच दो तो वहां पे जरूरी नहीं है कि जो ऑफर दे रहा है जो ट्रांसफर है वो उसके पास में 90% परसेंट शेयर्स हो ही सही तो अगर आपके पास में कम शेयर्स है लेकिन डिसेंटिंग शेयर होल्डर है 10% से कम तो आप उनके शेयर्स अक्वायर कर सकते हो दैट इज 235, 236 कहता है इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग 90% परसेंट शेयर्स आपके साथ परसेंट शेयर्स ऑलरेडी है नाइन्टी परसेंट से ज्यादा शेयर है और आपको रिमेनिंग टेन परसेंट उससे कम वाले शेयर्स अक्वायर करने हैं तो आप टू थर्टी सिक्स के अंदर अक्वायर करो टू थर्टी सिक्स इस परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग वहां पर कैसा है कि अगर डिसेंटिंग है हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया उसमें कुछ लोग डिसेंट करें फाइव परसेंट शेयर होल्डर डिसेंड करें उनके चक्कर में हम कॉन्ट्रैक्ट एक् एक्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो हम कहते हैं कि भाई साहब आपके शेयर आप बेचो और आप जाओ आप जाओ तो वहां पे जरूरी नहीं है जो ऑफर दे रहा है उसका नाइनटी परसेंट शेयर हों लेकिन 236 के अंदर जरूरी है सिर्फ एक व्यक्ति 90% शेयर से वही ऑफर दे सकता है कि मुझे दे दो सो so, 235 सिमिलर सिमिलर ठीक है जिसमें हम डिसेंटिंग शेयर होल्डर का खात्मा कर रहे हैं तो वहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट से कोई डिसेंट कर रहे हैं तो उनके शेयर अक्वायर करने का ऑफर दे रहे यहां पे नाइन तो मेरे पास ही है, ही है। और यहां पर टेन और भी अक्वायर कर रहा हूं आवी क्लियर दिस इज समझ कैसे है सबसे पहला सेट बनता है टू थर्टी टू थर्टी का योग्य कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट फिर आता है टू थर्टी टू टू थर्टी थ्री टू थर्टी फोर का टू थर्टी टू मर्जर माल कमिशन टू थर्टी थ्री मर्जर माल कमी ऑफ सर्टेन कंपनीज एंड टू थर्टी फोर आता है मर्जर ऑफ कंपनी कंपनी ये तीनों का सेट हो गया फिर आता है 235, 236 का कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर के शेयर अक्वायर करना और माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर अवयर करना थर्टी फाइव टॉक्स अबाउट डिसेंटिंग जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से अग्री नहीं कर रहे उनके शेयर अक्वायर कर लेंगे डिसेंटिंग शेयर के शेयर अक्वाय करना टू थर्टी सिक्स इज माइनॉरिटी दस परसेंट का उनके शेयर कभी भी अक्वायर लेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर अक्वायर करना सो so, तीन सेट पड़े टू थर्टी थर्टी का एक सेट थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर का एक सेट और थर्टी फाइव थर्टी सिक्स का एक सेट थर्टी फाइव क्या है डिसेंडिंग शेर के शेयर अक्र कर लेंगे और टू थर्टी सिक्स क्या है माइनॉरिटी शेयर के उनके शेयर अक्वायर करेंगे डिसेंडिंग मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट से डिस करें यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ मैंने धीरे धीरे करके नाइटी परसेंट शेयर कर लिए कि हा अब बाकी शेयर मेंिक्स आपको समझ में आ रहा है इसमें कितना स्कोप है मतलब मुझे मेरा डिस्कशन कितना रोकना पड़ रहा है बिकॉज इसके अंदर इतने सारे दिमाग में डाउट्स आ सकते हैं इतना कुछ आ सकता है बिकॉज तभी तो इतना स्कोप इस सेक्शन में तभी तो इसके ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट आपके लिए बनाया गया है सीआरआई एन एंटायर सब्जेक्ट ओवर दीज सेक्शन तो हर एक सेक्शन पढ़ते समय आपके ऊपर इतने दिमाग में डाउट आते हैं कि आप धीरे 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 उनको समझते रहोगे इतना सब कुछ आप इतना सब कुछ पढ़ोगे आप सीआरआई के अंदर एंड दैट इज अनदर रीजन वाई क्वेश्चन ओवर टू थर्टी टू फोर्टी जनरली आज

दिस इज 236 मन में क्लियर सोचो 230 231 एक साथ में 232 33 34 एक साथ में 235 36 अब आता है 237 ये क्या है 237 जबरदस्ती कर रही है गवर्नमेंट 237 इज नथिंग बट गवर्नमेंट कर रही है जबरदस्ती 237 इज व्हाट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन इन

होता है उसको याद रखेंगे टू थर्टी सेवन जबस्ती अरे आप दोनों की इच्छा नहीं मिलने की बट सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती मिला रहा है। बोला मतलब बोला हे टाटा सत्यम को अक्वायर करो करो मतलब करो हम पूछ नहीं रहे हैं कि करना है प्लीज कर लो टाटा अक्वायर सत्यम सर ये क्या होती है कंपनी क्यों करेगी बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है एंड सेंट्रल जनरली जिन भी कंपनीज को ऐसे जबरदस्ती अक्वायर करवाती है तो एक हेल्दी कंपनी होती है और एक सिक कंपनी होती है वीक कंपनी होती है तो हेल्दी कंपनी सिक को अक्वायर कर लेती है हेल्दी कंपनी का तो नुकस, नुकसान हो रहा है ना क्योंकि पैसे तो इन सबको देना होगा इन सबको मैनेज करना है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है यार कि ये सिक कंपनी है अगर इसको किसी हेल्दी कंपनी ने अक्वायर नहीं किया इसके सारे इंप्लॉइज वर्कमैन सब बेरोजगार हो जाएंगे कंपनी की हालतें खराब हो जाएगी तो इसलिए भाई साहब नहीं सर हम बोलोगे तुम अक्वायर करो तुम मैनेज करो तुम बड़ी कंपनी तो मैनेज कर सकते हो अब बड़ी कंपनी दुखी होगी कि यार हम क्यों जबरदस्ती गंदी कंपनी को ले बट हाउ इट वर्स प्रैक्टिकली इज कि देन गवर्नमेंट उनको और दूसरे फेवर्स देती है इसे फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस में हो गया फिर गवर्नमेंट के साथ टर्म्स अच्छे रहते हैं तो दिस इज हाउ इट वर्क इन फॉर्मली पार ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर मालन पब्लिक इंटरेस्ट

तो so, जो कंटिन्यू हो रही है वो ट्रांसफरी और जो बंद हो रही है जिसके सारे असर्ट्स आप ले रहे हो दैट इज ट्रांसफरर सो so, ट्रांसफरर कंपनी के पुराने जो केसेस चल रहे हैं उनके जो लोगों पर केसेस चल रहे हैं उसका क्या होगा इसको लेकर ऑर्डर पास करना होगा देन ऑल मेंबर क्रेडिटर टू हैव नियरली सेम इंटरेस्ट इन द ट्रांसफरी कंपनी एंड इफ देर इज एनी डिफरेंस इट हैज टू बी कि जो ट्रांसफर कंपनी के क्रेडिटर्स हैं जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स है शेयर होल्डर हैं उन सबका मोरलेस सेम इंटरेस्ट होना चाहिए ट्रांसफरर में भी सॉरी ट्रांसफरी में भी तो ट्रांसफरर में मेरे पास जितने का क्रेडिटर था मैं जितने का डिबेंचर होल्डर्स थे मेरे पास जो शेयर्स थे मेरे पास सिमिलर इंटरेस्ट आना चाहिए ट्रांसफरी में भी और अगर कहीं पर मेरे पास कम ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके गौन्ट से गौन्ट से तो लिए मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए कंपनसेशन हैज टू बी गिवन कोई व्यक्ति अगर उस कंपनसेशन अमाउंट से सेटिसफाइड नहीं तो एनसीएलटी एनसीएल अपील कर सकता है इफ एनी पर्सन इज अग्रीड बाय द द कंपनसेशन एन अपील टू ट्रिब्यूनल कैन बी मेड अगर खुश नहीं कि यार जबरदस्ती हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है तो आप आप ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हो इसका प्रोसीजर दे रखा है कोई दम नहीं इस प्रोसीजर में

अभी क्लियर तो एनसीएलटी को आ, दोनों कंपनीज में, में से किसी को ऑब्जेक्शन तो वो भी रेस कर सकते हैं मान लो जो ट्रांसफर कंपनी उनके इंप्लाइज शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स को क्रेडिटर्स को इनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं क्रेडिटर शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर दिस इज टू थर्टी सेवन दैट इज पार ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर अमाल पब्लिक इंट्रेस इसको हम बोलते हैं जबरदस्ती अमाल जबरदस्ती अमाल इसके बाद अब कुछ नहीं बचता है अभी आया आपका यह पेज और आपका खत्म हो जाएगा सीक्वेंस टू थर्टी एट टू थर्टी टू फोर्टी टू थर्टी एट कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कि कभी भी अगर आपका कोई भी स्कीम है ट्रांसफर ऑफ शेयर कोई भी स्कीम है आपका जो टू थर्टी एर्टी टू तो कहीं भी चल रहा है इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व है तो यू टू तो गेट द स्कीम रजिस्टर्ड विद आर खत्म हो गया ओवर कि कोई भी स्कीम है जिसमें आपके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो यू टू रजिस्टर द स्कीम विद आओ देखते हैं क्या लिखा है कि अगर कभी भी ट्रांसफरी कंपनी सर्कुलर या ऑफर दे रही है रिजिस् टू शेयर होल्डर्स तो उसके पहले उसको सर्कुलर हैज बी गिवन टू आरओ फॉर रजिस्ट्रेशन अरे हमने दो तीन जगह पर देखा ना जैसे कि जब हम माइनॉरिटी के शेयर्स को अक्वायर रहे थे तो हमने बोला कि ये हम ऑफर दे रहे हैं कि हमारे शेयर्स ले लो 235 में दिया 236 में दिया तो वो जब भी ऑफर आप शेयर होल्ड को दे रहे हैं शेयर होल्डर को ऑफर देने के पहले उस ऑफर डॉक्यूमेंट को आपको आर के पास रजिस्टर करवा लेना है बस रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स तो स्टेप थ्री जनरली हम स्टेप वन मानते हैं और इसके पहले दो प्रीक्वेस्ट आते हैं कि जब भी आप सर्कुलर दे रहे हैं सर्कुलर मतलब ऑफर एंड डिटेल्स ऑफ शेयर ट्रांसफर जब भी आप किसी शेयर होल्डर को ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे कि मेरे शेयर हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं वगैरह वगैरह उस ऑफर डॉक्यूमेंट को देने के पहले यू हैव टू गिव दैट सर्कुलर टू आरओसी सी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सी उसका रजिस्ट्रेशन कराएगी उसी के बाद आप दे सकते हैं तो अगर आप सिंपल तरीके से देखते हो तो पहले स्टेप वन आप आर को दोगे कि हे आर ओ सी हे आर ओ सी आर ओ ही नहीं आर ओ सी हे आर ओ सी हम ये जो सर्कुलर है ये जो ऑफर है ये हम शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं आर आर ओ ओ सी सी मेरे को उसको रजिस्टर कर लेगी फिर आप दे सकते हो शेयर होल्डर्स को तो बिफोर गिविंग एनी ऑफर टू शेयर होल्डर्स फर्स्ट दैट ऑफर डॉक्यूमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड आर ओ सी दैट इज सेक्शन नंबर टू थर्टी एट कुछ नहीं है कुछ है ही नहीं लड्डू टू थर्टी नाइन आता है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ मालिटेड कंपनी अगर कहीं पे भी अमाल गमेशन हुआ है अगर कहीं पे भी अमाल गमेशन हुआ है तो अमाल गमेटेड कंपनी अमाल गमेटिंग कंपनी जैसे कि ट्रांसफरर, ट्रांसफरी होते हैं अमाल गमेटेड, अमाल गमेटिंग होते हैं अमाल गमेटेड वो कंपनी जो बंद हो जाएगी अमाल गमेटेड वो कंपनी जो बंद हो जाएगी अमाल गमे टिंग जो कंटिन्यू करेगी

तभी ये सेक्शन लाइट टू थर्टी एट टू थर्टी नाइन रुको अमालगमेटेड कंपनी भली बंद हो गई इसके बुक्स एंड पेपर आप तब तक जला नहीं सकते तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है बिकॉज ऐसे तो लोग क्या करेंगे कंपनी खोली उसमें फ्रॉड किया अभी तक फ्रॉड पकड़ा नहीं आया अमालगमेशन कर लोगे और इस कंपनी के साथ बुक्स एंड पेपर जला दोगे बोल दो अब तो खत्म हो गया इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि लोग फ्रॉड किया किसी कंपनी में और कंपनी मालगमेट हो गई तो कंपनी को बंद कर देंगे ना और फिर बुक्स एंड बुक्स वगैरह पेपर सबको वो लोग डिस्पोज कर देंगे तो लॉ ने के दिया नहीं कोई भी कंपनी अगर अमाल गमेट हुई है अमाल गमेटेड हुई है तो बंद हुई भी कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स को आप डिस्पोज नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आ जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेते समय एक व्यक्ति को भेजेगा जो उन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से एनालाइज करेगा और देखेगा हाँ यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है तब जाके आप डिस्पोज कर सकते हैं देखते हैं टू में क्या लिखा है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमाल कंपनी बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमाल कंपनी शेल नॉट बी डिस्पोज ऑफ विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट

उस मर्जर मालीन के पहले पुरानी कंपनी में हमने कोई फ्रॉड किया था तो अब तो बच गए ना अब तो कंपनी मर्ज हो गई नहीं कंपनी के मर्ज होने के बाद भी अगर आपने पुराना कोई फ्रॉड किया था तो उस फ्रॉड के लिए आपकी लाइबिलिटी रहती है तो जो ऑफिसर्स वगैरह है भली कंपनी मर्ज हो गई है पुराना फ्रॉड अगर बाद में भी पता चला तो उसके लिए आपकी लाइबिलिटी रहेगी क्या कह रहे हैं मान लो मेरा नाम है शुभम सुख एक और व्यक्ति आकाश हम दोनों ए लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर डायरेक्टर्स हमने ए लिमिटेड में कोई फ्रॉड किया फिर हमने बी लिमिटेड अक्वायर कर हमने कहा बी लिमिट अक्वायर लो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड अक्वाइड ए लिमिटेड ठीक है अब हम लोग भाई ए लिमिटेड अवयर हो गई बस फ्री हो गए नहीं आकाश अभी भी फ्री नहीं हुए कल को अगर कोई फ्यूचर में पता चला कि ए लिमिटेड ने पहले कोई फ्रॉड किया था तो उसके लिए हम लाइबल होंगे देखो क्या लिखा है लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिटेड प्रायर टू मर्जर और मर्जर के पहले अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए इनकी लाइबिलिटी आज भी रहेगी द लाइबिलिटी इवन आफ्टर द मर्जर और समझना मेरी बात को अच्छे से किस तरह से आपको इन चीजों को समझना चाहिए फोकस करेंगे मेरे साथ में बस 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 कितना समय लिया मैंने आपका मैंने आपका कुछ मुश्किल से वन आवर लिया है उस वन आवर में मेरा इंटेंशन है कि ये आपका वन एंड फॉर ऑल डन हो जाएगा घर पे आपको वन आवर और देना है और फिर आपको एग्जाम तक इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये हम वैसे ही जरूरत से ज्यादा पढ़ चुके आप खत्म सब ना मेरी बात को अच्छे से अरे भाई जगह दे दो तो मुझे थोड़ी सी यस पीपल क्या पढ़ा हमने टू थर्टी टू थर्टी वन टू थर्टी टू टू थर्टी थ्री टू थर्टी फोर टू थर्टी फाइव टू थर्टी सिक्स टू थर्टी सेवन टू थर्टी एट टू थर्टी नाइन टू फोर्टी इस नजरे से इसको देखना है फोकस करना अच्छे से इस नजरे से देखना है कि आपने ये आपने पढ़े पहले दो का एक सेट पढ़ा है फिर सेकंड सेट में आपने पढ़े टू थर्टी टू टू थर्टी थ्री टू थर्टी फोर तीसरे सेट में आपने पढ़ा टू थर्टी फाइव टू थर्टी सिक्स चौथे सेट में पढ़ा टू थर्टी सेवन और पांचवें सेट में पढ़ा टू 239, टू थर्टी टू फोर्टी लास्ट वाला था एन देखो सबसे पहले वन अबाउट कॉम्प्रोमाइजर अरेजमेंट तो कॉम्प्रोमाइजर अरेजमेंट टू थर्टी के हिसाब से पूरा सर्कुलर पूरा याद रखना है कि भाई साहब ये है इनमें से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है में डॉक्यूमेंट जाना चाहिए जब भी एप्लीकेशन एनसीएलटी का एनसीएलटी मीटिंग ऑर्डर है नोटिस इन सोएगा फिर वोटिंग होगी इस तरह से फिर एन फाइनल ऑर्डर पास कर वो ओसी का जाकर रजिस्टर हो जाएगा टू थर्ट थर्टी वन कहता है ऑर्डर पास उसको क्या करेगा उस पर एडिशनल डायरेक्शन दे सकता है उसको लगता है कि अगर उनको फॉलो नहीं कर रहे तो ऑर्डर पास

232, 233 टू टू थर्टी थ्री बोला कि मर्जन मालकमेंट सर्टन कंपनी की दो स्मॉल कंपनी मर्ज मालेट हो रहे हैं या फिर एक होल्डिंग कंपनी अपने होली होल्डियो सब्सिडी के साथ मर्ज रहा है तो उसके अंदर आपको एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है उसके बिना ही आप कर लोगे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर याद है उसके बाद में स्टेप फोर हो गया हाँ नाइन परसेंट अप्रूवल इन सबका ले लिया है तो उसके बाद में सिंपली आपको आर ओसी को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना है एप्लीकेशन फाइनल स्कीम दे देना है आर ओसी ऑब्जेक्शन लाती दे लगता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट और क्रेडर के इंटरेस्ट में है तो इमीडिएटली अलाउ कर देगा और आओ सी को देगा रजिस्टर कर लो और उनको थोड़ा सा डाउट लगता है तो बोलते जाओ एनसीएलटी का अप्रूवल लेकर टू थर्टी टू का प्रोविजन फॉलो करो तो टू थर्टी थ्री इज अमाल मर्जर ऑफ सर्टन आता टू थर्टी फोरगमिशन मर्जर ऑफ फॉरन कंपनी अगर आपका कंपनी और मर्जिंग में फॉरन कंपनी तो भाई आरबीआई का अप्रूवल ले लो और आप पेमेंट कैसे देने वाले बात कर लो कैश में दोगे डिपॉजिट रिसीट में दोगे कॉम्बिश में कैसे दो मर्जनिशन टू थर्टी फाइव थर्टी सिक्स आता है समझना ध्यान से अक्वायरिंग शेयर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर टू थर्टी फाइव बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया उसमें नाइन परसेंट लोग अप्रूव हो गए टेन परसेंट अप्रूवल नहीं दे रहे तो उनको हम ऑफर करते हैं कि हे hey, भाई साहब हम आपके शेयर्स खरीद लेते हैं हम आपके शेयर्स खरीद लेते हैं दिस इज अक्वायरिंग शेयर फ्रॉम डिसेंडिंग शेयर होल्डर दिस इज टू थर्टी फाइव टू थर्टी सिक्स बात करता है नहीं नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैंने 90 परसेंट शेयर ऑलरेडी अक्वायर कर लिए है तो मैं कहता हूं कि बाकी 10 परसेंट भी मैं अक्वायर करूंगा दैट इज अक् शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी शेल्डर मैं जबरदस्ती अक्वायर करता हूँ बच्चे शेयर होल्डर शेयर बट रीजनेबल प्राइस जो एनसीएलटी बोलता है हाँ हाघ्री करता है फिर आता है टू थर्टी सेवन टू थर्टी सेवन क्या बात करता है टू थर्टी सेवन टॉक्स अबाउट जबरदस्ती अमाल अमाल सेंट्रल गवर्नमेंट तो अमाल और मर्जर

टू थर्टी एट टू थर्टी नाइन और टू फोर्टी मिसलिनियस प्रोविजन टू थर्टी एट क्या कहता क्या है के ऊपर इतने सारे सेक्शन पड़े ना इसमें कहीं पे भी किसी भी किसी स्कीम में अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर इन्वॉल्व है क्या पब्लिक को ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो ऑफर डॉक्यूमेंट देने के पहले आरओसी से रजिस्ट्रेशन करवाला तो स्टेप वन वुड बी सेनेट टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन आरओसी इज गोइंग गोइंग टू 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 रजिस्टर इट इट देयर आफ्टर यू आर गिव होल्डर सिंपल

एंड माइंड टेंशन वॉज दैट स्टूडेंट्स आर जनरली रियली स्केयर्ड अबाउट टॉपिक्स लाइक सच बिकॉज ये टॉपिक्स है ना उसमें स्टूडेंट अगर खुद से पढ़ने बैठते हैं अगर स्टेन सेक्शन तो उसको भाई दिन भर लग जाएगा और क्या सर वर्थडे का दिन भर डालना तो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है एंड देट इज अ रीजन वी टेकन इट इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मेड मेरा टारगेट था ये वन आर से कम में करना कुछ वन आर सेवन एट मिनट्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है सो यू टू इंश्योर के वन आर सेवन एट मिनट्स देखा जैसे लेक्चर कंप्लीट करते हो ये नोट्स आपने लिए ये नोट्स को एक बार अच्छे से इनको पेन डाउन कर लिया अपने ही नोटबुक के अंदर अच्छे से एक बार पेन डाउन कर लिया बात खत्म अब जब भी एग्जाम के एक दिन पहले पंद्रह मिनट में आपका पूरा का पूरा टॉपिक रेडी होगा सेक्शन थर्टी टू सेक्शन टू हंड फोर्टी चलो कदम थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस 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 पेशेंस